नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे साउथ की एक और प्रस्तुति में। मैं अभी जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूं, मैं उसी के बारे में पिछले 2 दिनों से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं न थक पाया हूं और न ही देखने वाले दर्शक अभी तक थके हैं, क्योंकि भाई चीज ही ऐसी है। साहो का जो टीजर अभी हमारे सामने आया है, ये मेरे ख्याल से इस समय तक का सबसे अधिक चर्चित टीजर बन गया है इस साल का। आपको एक सबसे बड़ी बात जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके पहले मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं आपको कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारी और आपकी बातचीत जो है वो लगातार जारी रहे। वैसे वापस आता हूं बात पे। चीज क्या है कि साहो का टीजर देखने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि पैसे का उपयोग कैसे किया जाता है फिल्म में, ये दक्षिण भारत वाले जो फिल्म मेकर्स हैं उन्हें ज्यादा अच्छे से आता है। नॉर्थ इंडिया में फिल्म का बजट भी बड़ा हो जाता है, 110 करोड़ 120 करोड़ 130 करोड़ तक के बजट की फिल्में बनती हैं। कई फिल्में तो क्लेम करती हैं कि 200-200 300-300 करोड़ की फिल्म है, लेकिन वो बजट दिखाई नहीं देता है। होता क्या है कि इसमें से अधिकतर बजट मुझे लगता है कि फिल्म के स्टार्स और उनके जो नखरे होते हैं वही खा जाते हैं। साउथ में देयर इज अ मोर प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप एक खुद सोच करके बताइए कि साहो के स्पेशल इफेक्ट्स का जो लेवल है, क्या उस लेवल का स्पेशल इफेक्ट्स आपने पहले देखा है? हमारे यहाँ यदि स्पेशल इफेक्ट्स लोग करते भी हैं तो मेरे ख्याल से जो है ओवरडू कर देते हैं कई जगहों पर, कई जगहों पर बिना मतलब के कर देते हैं। साउथ की एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, वो ये है, आपको ये KGF में दिखाई दिया, आपको ये आपको ओडियन में दिखाई दिया, ये आपको मरक्कर में दिखाई देगा, ये आपको जो है अभी एक फिल्म आ रही है मामंगम, उसमें भी दिखाई देगा। इन तमाम अभी मैं जस्ट देख ही रहा था, इसमें एक इंटरव्यू देख रहा था मैं ममूटी सर का, ममूटी सर बोले कि हम लोग सिर्फ 10% स्पेशल इफेक्ट्स के ऊपर रिलाई करते हैं, 90% काम हम लोग सेट बना के करते हैं। यही एक सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है एक अच्छी फिल्म बनाने का, जो साउथ के लोग अभी भी कर रहे हैं। सेट्स भव्य बनाते हैं, उन सेट्स को सिर्फ लास्ट की फिनिश देने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो पैसा जो लगता है वो एक एक रुपया वसूल होता है। आप साहो देखिए, साहो में भी जो स्पेशल इफेक्ट्स बनाए गए हैं इतने सीमलेस इफेक्ट्स हैं, मैं तो जूम कर कर के और 4K पर देख रहा हूँ, 4K मॉनिटर्स लगा लगा करके देख रहा हूँ, मुझे एक फ्लॉ नहीं नज़र आया है इस समय तक जो ये कंप्लीट मैंने इसका VFX देखा है। बॉलीवुड लर्न कर सकता है साउथ से कि पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इनफैक्ट आपको बताऊँ, मैं SS राजामौली की जो ट्वीट है वो बहुत एप्ट है, उन्होंने जो लिखा है कि भाई UV फिल्म्स ने जो पैसा लगाया है वो दिख रहा है, ये एक बड़ी बात। आपको ये समझना होगा, अगर आप बॉलीवुड से किसी भी तरह से जो है संबंधित हैं, तो आपकी समझ में ये आना होगा कि पैसा, एक एक पैसा जो आप लगाते हैं फिल्म के अंदर, जो पर्दे पर दिखाई देता है पैसा, वही पैसा रिटर्न आता है। जो पैसा आपने बफे में खर्च कर दिया, या हीरो की वैनिटी वैंस में खर्च कर दिया, या हेलीकॉप्टर्स बुलवाने में खर्च कर दिया हीरो को सेट तक लाने के लिए, उन तमाम पैसों को देख भी नहीं पाती है जनता और उसका कोई भी मूल्य नहीं होता, इट्स वैल्यूलेस। सिर्फ वो पैसा जो पर्दे पर रिफ्लेक्ट करता है वो रिटर्न देता है, और बॉलीवुड को ये चीज सीखनी होगी। कलंक जैसी फिल्म पैसा पानी की तरह बहाया, कहानी नहीं है, पैसे का उपयोग कहाँ किया गया, कॉस्ट्यूम्स के ऊपर, हु केयर्स। आप एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं, एक ऐसे एरा की फिल्म बना रहे हैं जिससे अब जुड़ाव नहीं बच गया है लोगों का, हीरो भी उसका इस तरह का नहीं है कि आप उसे आइडेंटिफाई कर सकें या आपके एस्पिरेशनल वैल्यू को जो है पूरा कर पाए, जो KGF में कर रहा था। KGF में हमारे अंदर अभी भी बहुत एंगर है, जो 1970s का एंगर यंग मैन बना था अमिताभ बच्चन, लोगों के एंगर को टैप करके, वो एंगर अभी भी लोगों के अंदर है, लेकिन उसको टैप किया रॉकी भाई। ये डिफरेंस है, पैसा लगाइए, सही जगह लगाइए। फिल्म की कहानी कहाँ पैसा डिमांड कर रही है, फिल्म की कहानी जो है वो किस तरह का पैसा डिमांड कर रही है, क्या प्रमोशंस का पैसा ज्यादा लगाना है, सेट्स का पैसा ज्यादा लगाना है, स्पेशल इफेक्ट्स का पैसा ज्यादा लगाना है, स्टार्स का पैसा ज्यादा लगाना है, कहां लगाना है। द मनी हैज टू बी वेल मैनेज्ड। और मेरे ख्याल से साहो का टीजर देखने के बाद आपको लगता है कि बॉलीवुड को जरूर सीखना चाहिए दक्षिण भारत की फिल्मों से किस तरह से पैसे का उपयोग किया जाता है ये बात, और मुझे भी आपसे सीखना चाहिए। तो आप भी कमेंट करना शुरू करें, अपने भी ज्ञान को मेरे साथ शेयर करें, जिससे मुझे पता चल सके कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और एक और विनती फिर से जो शुरू में की थी आपसे, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बड़ा अच्छा लगेगा। नमस्कार।